न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं अनिल ठाकुर। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए चंद घंटों बाद वोटिंग होनी है और कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी की जीत जो है वो पक्की मानी जा रही है, लेकिन बीजेपी ने 68 में से 25 विधायक होने के बावजूद भी कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हर्ष महाजन को सिंघवी के खिलाफ जो है वो मैदान में उतार कर इस मुकाबले को रोचक तो बना ही दिया है, साथ ही कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग का डर भी जो है वो भाजपा ने पैदा कर दिया है। कांग्रेस के पास 40 विधायक हैं और 3 निर्दलीय विधायक हैं। हर्ष महाजन राजा वीरभद्र के चुनावी रणनीतिकार रहे हैं और जयराम ठाकुर लगातार ये दावा कर रहे हैं कि हमने कैंडिडेट कुछ सोच समझकर ही उतारा है और चुनाव में क्रॉस वोटिंग होगी या नहीं ये आने वाला वक्त बताएगा, ये जयराम ठाकुर जो है वो कह रहे हैं। कांग्रेस सिंघवी की जीत को लेकर आश्वस्त है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कह चुके हैं कि क्रॉस वोटिंग का मतलब ही नहीं बनता है, कांग्रेस एकजुट है। हालांकि राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा के बयानों ने प्रदेश में सियासी हलचल जो है वो बढ़ा दी है। कुछ देर पहले ही कांग्रेस विधायक सुधीर शर्मा ने जो है वो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जिसमें लिखा है कि स्वाभिमान से समझौता यानी पहचान का अंत। अब इसके क्या मायने हैं, हालांकि राजनीतिक पंडित जो हैं इसके अपने अपने तरीके से मतलब निकाल रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस के राज्यसभा चुनाव में जारी किए गए व्हिप पर भी सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि कांग्रेस अपने विधायकों पर जो है वो दबाव बनाने का काम कर रही है, कांग्रेस का ये व्हिप जो है कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला है। पहले आप सुनिए कि किस तरह से राज्यसभा चुनाव पर पहाड़ों पर सियासी गर्मी जो है वो बढ़ गई है, उसके बाद हम इस मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ने वाले हैं और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार राज्यसभा की इस सीट के लिए श्री हर्ष महाजन को कैंडिडेट के रूप में उतारा है। हम इस बात से सहमत हैं कि कांग्रेस का भले ही बहुमत है लेकिन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है और उस अधिकार का हम उपयोग कर रहे हैं। लेकिन मैं इस बात को देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों से जब से भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस राज्यसभा की एक सीट के लिए हमने कैंडिडेट घोषित किए हैं उसके पश्चात लगातार सरकार की ओर से विशेष तौर से मुख्यमंत्री की ओर से और कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेताओं के ओर से विधायकों के ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि एक भीप राज्यसभा के इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को वोट डालने के लिए जारी किया गया और ये जो जारी किया गया है ये तारीख है ये 22 तारीख को किया गया है। बड़ा क्लियर है इसमें, मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन है। इलेक्शन कमीशन को बड़ा साफ और स्पष्ट है इसमें कि व्हिप जारी किया ही नहीं जा सकता लेकिन उसके बावजूद भी व्हिप जारी किया गया है। और इसकी जब वजह हम इस बात को थोड़ा एक्सप्लेन करने लगते हैं तो एक्सप्लेन करने की वजह उसमें मैं बता रहा हूं, स्पष्ट कर रहा हूं, उसकी वजह है ताकि विधायकों के ऊपर दबाव डाला जाए और उस दबाव के तहत उनको ये कहा जा रहा है कि अगर आपने व्हिप को डिफाई किया, व्हिप का उल्लंघन किया तो आपकी विधानसभा से सदस्यता जाएगी। ये मुख्यमंत्री महोदय जो है वो विधायक दल की बैठक में कांग्रेस के विधायकों को बताते हैं कि इसमें मैंडेटरी है कि जब वोट डाला जाएगा तो ऑथराइज एजेंट जो होगा दोनों पार्टी की ओर से उनको अपनी पार्टी के उस ऑथराइज एजेंट को वोट डालने के बाद वोट दिखाना होगा। ये तो ठीक है, दिखाना होगा और दिखाने के बाद जो मुख्यमंत्री जी ने विधायक दल की बैठक में कहा कि अगर वोट दिखाने के बाद अगर उसमें पाया गया कि किसी भी मेंबर ने किसी भी एमएलए ने अगर क्रॉस वोटिंग की है तो उसका वोट
इनवैलिड होगा। और इस संदर्भ में बड़ा साफ है कि वो वोट इनवैलिड होगा ही नहीं। कहना था कि वोट कैसे डालना है, कोई वोट खराब ना करे, उस दृष्टि से हमारे को जो इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइन दी उसके संदर्भ में हमने उनको बता दिया है। पूरे आश्वस्त हैं सर। और आज सारे एमएलए प्लस 3 इंडिपेंडेंट भी उपस्थित थे, और राजेंद्र राणा जी ने मुझे कहा कि उनके बेटे के आज आए थे पहले, पर मैं लेट हो गया, मैरिज एनिवर्सरी है उनके बेटे की, इसलिए वहाँ गए हैं। तो सारी कांग्रेस पार्टी एक बैनर की तरह एकजुट है, और मैं 3 आज़ाद उम्मीदवारों का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारे समर्थन में मनु सिंघवी जी के समर्थन में प्रपोज्ड भी किया है और आश्वासन भी दिया है। तो मेरा ये मानना है कि एक परंपरा जो होती है वोटिंग से पहले, उस परंपरा का आज हमने निर्वाह किया। क्रॉस वोटिंग हो सकती है? नहीं, इस क्रॉस वोटिंग इसमें है नहीं। आपको एक चीज बता दूं, क्रॉस वोटिंग है नहीं, क्योंकि जो भी वोटर दिखाकर डालना पड़ता है, और जो वोट दिखाकर नहीं डालेगा तो उसको हमारा जो ऑथराइजेंट है इनवैलिड कर देगा। तो जब इनवैलिड कर देगा तो हाउस कम होता जाएगा, तो क्रॉस वोटिंग की संभावना बहुत कम है। सर, विपक्ष भी लगातार धरना कर रहा है सर, कल पिछले कल भी सदन में। सर, आर्ट्स मार्जिन जी तो इस चीज को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। उनको पहले उनको बोलना कि 2 साल पहले राज्यसभा का चुनाव का कुछ और था, अब 2 साल बाद जो नियम नए आए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि जो वोट चलेगा वो ऑथराइज एजेंट को देकर डाला जाएगा, तो उस चीज को पता रहेगा। और वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, हम उनका स्वागत करते हैं, और हम जानते हैं कि हर्ष महाजन जी भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, तो निश्चित तौर पर वो कांग्रेस में वो सोचते हैं कि मेरे जो दोस्त है, पर दोस्त तो सब जगह होते हैं, लेकिन राजनीति में जब पार्टी की बात होती है तो पार्टी सर्वोपरि होती है। धरना कर रहा है सदन में आने से पहले ही, शब्दों में कहने में कोई है बात नहीं, और आप पत्रकार बंधु है, कृपा करके आप उनसे पूछिए कि कौन सी जो यूनिवर्सिटी प्लान की है उसका नाम तो बता दीजिए। वो कुछ स्टैंडिंग शब्द है, प्लान कर रही है, ये हो रहा है, क्योंकि उनके पास बोलने को कुछ नहीं है। आर्थिक बदहाली के बाद भी जिस प्रकार का हमने गांव के किसान के लिए बजट प्रस्तुत किया है, आम आदमी के लिए बजट प्रस्तुत किया है। तो आपने सुना, जयराम ठाकुर को भी सुना और मुख्यमंत्री को भी सुना। जयराम ठाकुर को उम्मीद है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग का मतलब ही नहीं है। और इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे सुशांत कपरेट कांग्रेस की तरफ से, विवेक शर्मा जो हैं वो बीजेपी की तरफ से, और सुनील शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले विवेक शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी को क्यों लगता है कि हर्ष महाजन जो हैं वो जीत रहे हैं राज्यसभा चुनाव में, क्योंकि जयराम ठाकुर जो है वो मना नहीं कर रहे हैं। वो अभी भी कह रहे थे, इंडिया न्यूज का मंच हुआ था शिमला में, उसमें भी मैंने सवाल पूछा था, उन्होंने कहा था कि बीजेपी यूं ही नहीं कैंडिडेट उतार देती है, कुछ बात है तभी उतारा है। और आज भी मीडिया ने जब सवाल पूछा तो उन्होंने यही बात दोहराई कि हमने बहुत सोच समझ कर कैंडिडेट उतारा है। अब ये बताइए कि ये शिगुफा है, कांग्रेस को डराने के लिए आपने कैंडिडेट उतारा है, या फिर आपकी कोई बातचीत हो रखी है, अंक गणित आपने लगा रखा है? सही सही बताइए हिमाचल के दर्शकों को। अनिल जी, हमारी स्थिति और इस प्रदेश की स्थिति लगभग बिल्कुल महाभारत जैसी उत्पन्न हो गई है, जहां पर कौरवों के साथ बड़े बड़े योद्धा थे और पांडवों के साथ श्री कृष्ण थे। अभी एक सर्वेक्षण आया है जो एक निजी एजेंसी द्वारा करवाया गया है, जिसमें 67% लगभग लोगों ने कहा है कि राज्यसभा भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, और 32% ने कहा है कि कांग्रेस जीत रही है। आज स्थिति ये है इस प्रदेश में हमारे सम्माननीय विधायकों और मंत्रियों की, जो कांग्रेस के हैं, जो पहले आम लोगों के साथ बैठ करके उनके विरोध प्रदर्शनों में शामिल हो रहे थे, वो आज अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाकर ये सर्वेक्षण करवा रहे हैं कि अगला चुनाव कांग्रेस से लड़ना है कि भाजपा से लड़ना है कि इंडिपेंडेंट लड़ना है। ये परिस्थितियां उभर कर सामने आ गई है। कांग्रेस की स्थिति यह है कि ये बिल्कुल असहाय स्थिति में हो गई है। काम दाम दंड भेद हर प्रकार की नीति के माध्यम से ये काम करना चाह रही है। प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ रही है और ये अपने विधायकों की रेकी करवा रहे हैं पुलिस से। इतनी स्थिति उत्पन्न हो गई है। रहा प्रश्न इस बात का, जो हम तो ये पूछते हैं कि जो प्रत्याशी इन्होंने उतारा है, जो प्रत्याशी कांग्रेस ने उतारा है, वो कांग्रेस ये बताए कि इनकी वाटर एसेस को लेकर के योजना
खराब थी या वो जो न्यायालय में खड़े हैं वो ठीक खड़े हैं? कांग्रेस की नीयत और नीति पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं और हमें इस बात का पूरा विश्वास है कि कांग्रेस के विधायक अपनी अंतिम आत्मा की आवाज पर इसका विरोध करेंगे और आएंगे, क्योंकि ये जीते या हारे प्रश्न ये नहीं है। उससे बड़ा प्रश्न ये है कि आगामी 15 दिन के बाद लोकसभा का चुनाव होने वाला है और ये लोग जब जनता के बीच में जाएंगे तो इनसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वाटर सेस के मामले के ऊपर कांग्रेस का स्टैंड क्या है, प्रदेश का स्टैंड क्या, क्या मुख्यमंत्री का स्टैंड गलत था या ठीक था, क्योंकि इनके जो प्रत्याशी है वो उच्चतम न्यायालय में खड़े हैं उनके साथ जो सरकार के विरोध में खड़े हैं। तो अंततः प्रश्न ये है कि वास्तु स्थिति कांग्रेस की बहुत खराब है, अंतर्कलह वाली बात नहीं हो गई। अंतर्कलह वाली बात है तो पूछ देते हैं, सुशांत कपरेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशांत जी, आपने सुन लिया, विवेक जी को सुन लिया आपने, वो अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि हालांकि क्रॉस वोटिंग नहीं होगी, कांग्रेस लगातार कह रही है, लेकिन राजेंद्र राणा हो चाहे सुधीर शर्मा हो, सुधीर शर्मा का पोस्ट तो चंद घंटे पहले का है, क्या अंतर्कलह है कांग्रेस में या फिर आप आश्वस्त हैं कि क्रॉस वोटिंग नहीं होने वाली है? देखिए सर, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं विवेक शर्मा जी को करेक्ट करना चाहूंगा कि राज्यसभा के में वोटिंग जो है वो एमएलए ने करनी है। तो आप अगर सर्वे करवा रहे हैं और उसमें 67% कह रहे हैं कि भाजपा जीतेगी, तो एक चीज तो समझ लीजिए विवेक जी, उंगली उठाने से सच्चाई नहीं छुपाई जा सकती। आप इस तथ्य से भली भांति परिचित है कि 40 विधायक कांग्रेस के हैं। अगर आप ये कल्पना कर रहे हैं कि विधायक भाजपा के लिए वोट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि भाजपा ने खरीद फरोख्त की जो गेम है वो चलाने का प्रयास किया है और जिसमें आज नाकामयाब हुए हैं। आज सोचने का विषय ये है कि कल वोटिंग हो रही है, व्हिप जारी किए हुए 4 दिन हो गए, आज मतदान से 1 दिन पहले भाजपा को याद आ रहा है कि व्हिप गलत है। ये कथनी और करनी जो भाजपा की है वो साफ दिख रही है। जिस प्रकार से नंबर गेम में है उसमें कांग्रेस अच्छे तरीके से पॉइज्ड है। कांग्रेस की जो स्थिति है वो मजबूत है, कांग्रेस जीतेगी, निश्चित रूप से जीतेगी। लेकिन विवेक शर्मा जी, एक जो सच्चाई है उसको आप नकार नहीं सकते कि भाजपा इस समय कांग्रेस युक्त होती जा रही है, वो चाहे प्रदेश की बात करें, वो चाहे आप केंद्रीय नेतृत्व में अपनी भाजपा की हालत देखें। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि ईडी, सीबीआई, इन एजेंसियों का दुरुपयोग जिस प्रकार से भाजपा कर रही है वो लोगों से छुपा हुआ नहीं है। मैं तो खुले मन से ये चीज पूछना चाहता हूँ, खुले मन से आपसे ये चीज पूछ रहा हूँ कि पिछले 10 सालों में किस भाजपा के विधायक के ऊपर, किस भाजपा के एमपी के ऊपर, किस भाजपा के लीडर के ऊपर ईडी या सीबीआई ने कोई रेड की? लेकिन उन लीडरों के ऊपर रेड की गई जिनको अल्टीमेटली बीजेपी ज्वाइन कराया गया और उन सबके पाप धुल गए। दुर्भाग्यपूर्ण है ये राजनीति जिस प्रकार की भाजपा आज कर रही है। और जो ये बात कर रहे हैं व्हिप जारी करने की, वकील मैं भी हूँ, व्हिप आप उस केस में जारी करते हैं जहां पर आप अपने जो मेंबर्स है उनकी प्रेजेंस को इंश्योर करते हैं, जहां पर आप इंश्योर करते हैं कि वो पार्टी लाइन में वोट करे। इसमें क्या गलती है, इसमें क्या गलती है मुझे बताइए विवेक जी, क्या गलत है इसमें? अवसर दीजिए, मैं उत्तर दे रहा हूं आपको। ठीक है, ऐसा है विवेक जी, जी। हाँ बताइए, आप बताइए। ऐसा है, 6 जुलाई 2017 की प्रेस ब्रीफिंग है इलेक्शन कमीशन की। कपरेट जी, मैं आपको बता दूं, उच्चतम न्यायालय का याद आ जाया आपको? याद आपको आ जाया? अगले कल वोटिंग है, आज आपको याद आ रहा है? यही मैं बताना चाहता हूं चैनल के माध्यम से, ये भाजपा का असली चेहरा है, भाजपा का असली चेहरा जो स्वीकार करने को तैयार नहीं होती कि जो नंबर गेम है वो कांग्रेस के फेवर में है। और इस प्रकार की जो राजनीति, जो धमकाने की राजनीति भाजपा द्वारा की जा रही है वो किसी भी प्रकार से स्वीकार्य नहीं होगी। नंबर गेम क्लियर है, 40 विधायक कांग्रेस के हैं, 25 विधायक भाजपा के हैं। इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि मैंडेट कांग्रेस के फेवर में है। लेकिन अगर भाजपा ये सोचती है, कानूनी धारा तो सुन लीजिए महोदय, आप तो वकील हैं, थोड़ी पेशेंस रखिए। 6 जुलाई 2017 की प्रेस ब्रीफिंग है जिसमें आईपीसी के सेक्शन 171C के अंतर्गत यह स्पष्टता से कहा गया है कि आप किसी को वोट डालने के लिए कह नहीं सकते, आप उसमें व्हिप जारी नहीं कर सकते। और जो व्हिप आपके द्वारा जारी की गई है 3-4 दिन पहले, उसमें केवल 13 लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं और वो भी आज मीडिया को रिलीज कर दी गई है। आप पहले अपना अंतर देखिए। और हम बार बार ये कहते हैं कि आपकी सरकार अनुभव लोगों की सरकार है, जो पिछले 12 महीने से हम ये कंटिन्यूटी बोलते आ रहे हैं। और आपके साथ भी कई बार हमने बहस में बात की विवेक जी, आप लोगों की जानकारी नहीं है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील शुक्ला भी जुड़े हुए हैं। सुनील जी, देखिए व्हिप जारी हुआ है और इसके अलावा एक और चीज है जिसको बीजेपी उठा रही है
कि अगर वो क्रॉस वोटिंग हुई तो इनवैलिड माना जाएगा, जिसका बीजेपी विरोध कर रही है। आप थोड़ा बताइए कि क्या व्यवस्था है संवैधानिक, क्या व्हिप जारी करना जो है वो गलत है, और अगर क्रॉस वोटिंग कोई विधायक करता है तो वो वोट जो है इनवैलिड माना जाएगा, क्या ये व्यवस्था है? जी 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 अनिल जी, देखिए जहां तक व्हिप का प्रश्न है तो हमारी जानकारी में जहां तक है कि व्हिप जो है वो विधानसभा के अंदर जारी किया जाता है। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। जी जी, वो तो विधानसभा के अंदर जारी किया जाता है, और ये जो चुनाव है ये विधानसभा की कार्रवाई का भाग नहीं है एक तरीके से, तो इसी को लेकर जो भाजपा जो है वो अपना प्रश्न खड़ा कर रही है। और दूसरी तरफ से कांग्रेस है, तो जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो समय समय पर जब ऐसे क्रूशियल मूवमेंट होते हैं तो वो अपने विधायकों को लेकर व्हिप जारी करती रहती हैं, और ये कहती रहती हैं कि आपको जो वोट करना है वो पार्टी लाइन के अनुसार करना है। लेकिन जिस प्रकार से इस मसले को कानूनी तौर पे बनाया जा रहा है, और भाजपा ने अपनी प्रेजेंटेशन भी दी है और ये दावा किया है कि ये जो है आप व्हिप जारी नहीं कर सकते हैं, और ऊपर से दूसरी तरफ से सरकार या कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि हम व्हिप जारी कर सकते हैं, तो ये आने वाले समय में देखने दिलचस्प होगा कि ये किस करवट बैठता है। लेकिन जहां तक व्हिप का प्रश्न है तो व्हिप तो विधानसभा में ही जारी होता है, जहां तक मुझे ध्यान है, बाहर का ठीक है। ठीक है, तो विवेक जी से पूछ रहे, विवेक जी, जयराम ठाकुर जी और भाजपा को क्यों लग रहा है कि व्हिप गलत है? सुशांत कपरेट जी कह रहे हैं कि सिर्फ प्रेजेंस के लिए व्हिप जारी किया गया है, और आप आपको भरोसा है अगर तो थोड़ा नाम भी बता दीजिए, दो चार नाम बता दीजिए, किस किस से आपकी बातचीत हुई है? हम तो कहते हैं कि सारी कांग्रेस हमें देने वाली है, इंक्लूडिंग माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि वो भी इस बात से एग्री करेंगे कि जिस जो वाटर एसेस का मामला वो लेकर गए थे, जो सबसे पहले उन्होंने प्रदेश को आर्थिक तौर पर सशक्त करने की बात की थी, उसके विरोध में जो न्यायालय में खड़े हैं वो इनके प्रत्याशी हैं। तो मुख्यमंत्री जी कैसे अपने साथियों को ये इस बात से संतुष्ट करेंगे कि मैं गलत हूं और वो ठीक है? या तो मुख्यमंत्री, तभी तो कह रहा हूं, उन्हें बताना होगा कि कांग्रेस की नीयत खराब थी या उनकी नीति खराब थी। अंततः ये बड़ा स्पष्ट मामला है, और ये मामला केवल कल खत्म नहीं हो जाएगा, ये पूरे लोकसभा के चुनाव बता दीजिए कितने वोट आपको मिलने वाले हैं। हम जीतेंगे, हम चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं, और हर पार्टी चुनाव जीतने के लिए लड़ती है, इसमें परेशान होने की बात नहीं। और रहा सवाल इस बात का, मैं तो कह रहा हूं कि कपेट जी, सुशांत कपेट जी तो खुद एडवोकेट है, सेक्शन 171 सी पढ़ लें, और उसके अलावा अगर इनको डॉक्यूमेंट चाहिए तो मीडिया के माध्यम से ले लें, हमने तो रिलीज किए हैं, जिसमें 6 जुलाई 2017 की प्रेस ब्रीफिंग है जो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस देकर रिलीज की है, और उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि आप किसी पे दबाव नहीं डाल सकते, उसे किसी को चूज करने का के लिए अधिकृत नहीं कर सकते। अरे अगर आप कानूनी प्रक्रिया को भी नहीं मानेंगे तो फिर आप लोकतंत्र में कैसे रहेंगे? जवाब दीजिए विवेक जी को। सर जहां से हम शुरू हुए थे वहीं पहुंचे, विवेक जी से आपने पूछा कितने मत पड़ेंगे, विवेक जी ओवर कॉन्फिडेंट है कि वो जीत रहे हैं, लेकिन मत इन्हें भी नहीं पता। आप समझिए इस चीज को, एक अजम्पशन गेम पे खेलने का प्रयास कर रही है भाजपा, जो साफ दिख रहा है, क्योंकि हम कह रहे हैं हमारे पास नंबर है, हम कह रहे हैं हमारे पास फिगर है, हम कह रहे हैं हम जीतेंगे, और हम कह रहे हैं हम 40 लेंगे प्लस 3 इंडिपेंडेंट का लेंगे, लेकिन बीजेपी तो ये भी नहीं कह पा रही कि हम 25 वोट अपने लेंगे, कहीं ऐसे ना हो कि इस गेम में बीजेपी के अपने वोट ही कांग्रेस के पाले में आ जाए। ऐसा भी है? ऐसा है, मैं सुशांत जी को थोड़ा सा इन्होंने फिगर्स मांगी है, मैं बता दूं जो इन्होंने व्हिप जारी की है उस पर केवल 13 लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं, पहला तो ये इनकी संख्या मैं बता दूं। दूसरा ये खुद बताएं कि कितने अपने पार्टी के विधायकों की ये रेकी करवा रहे हैं, उससे इनको पता लग जाएगा कि कितने वोट उधर जा रहे हैं। विवेक जी ठीक है, सुशांत जी अच्छा एक चीज मैंने पूछी थी आपसे कि अंतर कलह पर सवाल पूछा था, राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा जो हैं फेसबुक पर लगातार लिख रहे सोशल मीडिया पर, आज ही सुधीर शर्मा ने लिखा है कि स्वाभिमान को लेकर उन्होंने पोस्ट लिखा है कि स्वाभिमान से समझौता यानी पहचान का अंत, अब इसके क्या मायने हैं, क्या सब ठीक ठाक है? देखिए सर, एक फर्क भाजपा और कांग्रेस में है, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में ये कहना चाहता हूँ, भाजपा में आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते,
कांग्रेस में आप अपने विचार, आप अपने दिल के विचार, आप अपनी दिल की जो पीड़ा है वो व्यक्त कर सकते हैं, और जब दिल की पीड़ा बाहर निकलती है तभी उन चीजों का निवारण होता है। ये भाजपा की तरह नहीं होता कि डिसीजन थोप दिया जाता है, ये कांग्रेस है, यहाँ पर एक यूनानिमिटी के साथ काम किया जाता है। अगर लोग हमारे ओपन डेमोक्रेटिक सेटअप में, पार्टी के डेमोक्रेटिक सेटअप में अगर अपनी बातें मंच पे रखते हैं तो उन बातों के निवारण के लिए स्टेप्स उठाए जाते हैं, कदम उठाए जाते हैं। सुनील शुक्ला जी, आप बता दीजिए कि अगर सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा नाराज हैं, जैसा विपक्ष भी कह रहा है, वो नाराजगी क्या भाजपा के काम आएगी? देखिए जी, राजनीति हमेशा संभावनाओं का खेल होती है और भाजपा को कोई ना कोई संभावना देखी होगी। हाँ। इसलिए भाजपा ने उम्मीदवार उतारा है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से भी प्रयास पूरे किए जा रहे हैं, अपने लोगों को यूनाइट रखा जा रहा है, दीप जारी किया जा रहा है। ठीक है, संभावनाओं का खेल, दोनों पार्टियां संभावना। ठीक है, वक्त की कमी है, विवेक शर्मा जी आप बात पूरी करिए जल्दी से 10 सेकंड में। शाह जी ने जो भीतर के लोकतंत्र की बात की है, राजनीतिक तौर पर मैं इनका लोकतंत्र बताता हूं कि उद्योग मंत्री को पत्र लिखकर सार्वजनिक करने पड़ रहे हैं, सुधीर शर्मा जी को और राजेंद्र राणा जी को सड़क पे बैठे विद्यार्थियों के साथ बैठना पड़ रहा है, अपने विक्रमादित्य जी के ट्वीट हो रहे हैं, इनकी प्रदेश की अध्यक्षा अपने मंडी जिला के अध्यक्ष के पास जाके कहते हैं कि आप ठीक बोल रहे हैं कि पार्टी के भीतर की स्थिति क्या है। ऐसे लोकतंत्र को तो सलाम करना पड़ेगा जो बिल्कुल इतनी बुरी तरह से अंतर्कलह में फट चुका है कि किसी को ये नहीं पता कि मलम कहां से मिलेगी और पट्टी कहां से मिलेगी और अंततः इनका होगा क्या, ये ईश्वर जाने। मैंने पहले ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी लोग इंडिया न्यूज के साथ जुड़े और अपनी बात रखी। चंद घंटे बाकी हैं राज्यसभा चुनाव के लिए और दोनों पार्टियां दावा कर रही हैं, भाजपा कह रही है कि हमें पूरी उम्मीद है कि हर्ष महाजन की जीत होगी, लेकिन कांग्रेस आश्वस्त है कि क्रॉस वोटिंग नहीं होगी और ये बार बार मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि हकीकत में क्या होने वाला है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज, नमस्कार।